नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज के वीडियो में बात करने वाले ऋषि कपूर ने निधन से पहले अपने आखिरी ट्वीट में ये संदेश दिया। तो क्या है वो संदेश, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत की फिल्म जगत को बड़ा धक्का लगा है। दो दिनों में बॉलीवुड ने अपने दो सितारों को खो दिया है। बुधवार को अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया, तो गुरुवार को बॉलीवुड ने अपना एक और सितारा खो दिया। जिंदा दिल अभिनेता ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अभिनेता ऋषि कपूर ने 40 सालों को फिल्म जगत में काम कर लोगों को अपने अभिनय से आनंदित किया, लेकिन कैंसर से जूझ रहे ऋषि आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। अब आइए जानते हैं उनका आखिरी ट्वीट क्या था। ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले 2 अप्रैल को अपना आखिरी ट्वीट लिखा। ट्वीट पर उनके 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ऋषि कपूर किसी भी मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखने में हिचकते नहीं थे। नागरिक कानून से लेकर कोरोना वायरस हर मुद्दे देश पर उन्होंने अपना नज़रिया रखा है। उन्होंने अपना आखिरी ट्वीट 28 दिन पहले मतलब कि 2 अप्रैल को किया था। और उन्होंने ट्वीट में लिखा था, ऋषि कपूर ने देश में फैले कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए आखिरी ट्वीट में लिखा था और लोगों को उनका सम्मान करने की अपील की थी। अपने आखिरी ट्वीट में ऋषि कपूर ने लिखा, एक अपील समाज के सभी भाइयों और बहनों से, कृपया हिंसा, पत्थर फेंकने या हत्या का सहारा न ले। डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी आपको बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। हमें उनके साथ मिल कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध को जीतना है। आपको बता दें कि बुधवार को इरफान खान का भी निधन हो गया। 24 घंटे बाद ही अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। दोनों सितारों के गुजर जाने से पूरा फिल्म जगत और देश के लोग आहत हैं। तो यही था आखिरी संदेश। आपको वीडियो कैसा लगा वो नीचे ज़रूर कमेंट कर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।